अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ग्रेवी वाले मटन बना रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 किलो मैंने मटन लिया और 1 किलो प्याज। प्याज को मैं लाल करूँगी। पहले मैंने कुकर में 4 चम्मच सरसों तेल डाली हूँ और इसमें तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। 1 किलो के से थोड़ा सा कम प्याज है। प्याज को अच्छी तरह लाल करूँगी और इसी में मैं 2 तेज़पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, सब डालूँगी और 4 लौंग। प्याज को बहुत अच्छी तरह लाल करूँगी। प्याज बहुत अच्छी तरह से लाल हो गया है। अब मैं इसमें मटन डालूँगी। अब इसको भी अच्छी तरह 2 मिनट तक भूनना है। इसे देखिए अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी 4 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसको भी मैं 2 मिनट भूनूँगी। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च। इसे भी डाल के भूनूँगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैं इसमें इसमें दही डालूँगी 4 चम्मच दही। गैस की फ्लेम अब कम कर ली। अब इसमें भी डाल के थोड़ा सा भूनूंगी मैं। देखिए तेल अब ऊपर आ गया है। अब मैं इसको पानी डाल के सीटी लगाऊंगी। 2 कप पानी है। अब मैं लीड लगा के 4 सीटी लगाऊंगी। 4 सीटी हो गया। मैं कुकर खोल के देखती हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी पे है और तेल भी ऊपर आ गया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा सा भून कर गर्म मसाला डालूँगी। ऐसे ही मैं काली मिर्च और गर्म मसाला डालूँगी 1/2 टेस्ट में। और इसको मैं भूनूँगी फिर 2-3 मिनट के लिए। देखिए बहुत अच्छी तरह से भुना गया है और तेल भी ऊपर आ गया है, बिल्कुल रेडी हो गया। मैं प्लेट में निकाल के रखाती हूँ। देखिए बन के तैयार हो गया, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बना है। और आप भी बनाइए इसी तरह। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।